वेलकम स्टैंड इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन जो है कैसे हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने बात की थी मोलैरिटी के बारे में, जिसमें मोल पर लीटर में फॉर्मूले को समझ के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझाने जा रहे हैं आपको मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी का जो सिंबल होता है, दैट इज अ स्मॉल एम। तो मोलैरिटी का सिंबल स्मॉल एम है। और देखिए, मोलैरिटी किलोग्राम कंसीडर किए जाते हैं। मोलैरिटी में मोल पर लीटर था, तो इसके अंदर जो है किलोग्राम कंसीडर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, व्हाट इज मोलैरिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द मोलैरिटी। तो स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि मोलैरिटी में तो हम क्या करते थे कि पर लीटर में निकालते थे, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम में जो है सॉल्वेंट रखा जाता है, उसमें सॉल्यूशन लेते थे, इसमें किलोग्राम में सॉल्वेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी को कंसिडर किया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द मोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोलैरिटी को निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मोलैरिटी में क्या करते थे, मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखते थे, डिवाइड करते थे किससे, मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन का जो मास था उससे हम डिवाइड करते थे। ठीक है, वो किस में लेते थे, लीटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन उसे हम किस में लेते थे, लीटर में लेते थे। स्टूडेंट्स, ये किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में। मोलैरिटी जो है वो लीटर में ली जाती है और मोलैरिटी किलोग्राम में। थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर दिया वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम से। ठीक है, तो इसको हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोट कर दिया एनबी के साथ। ठीक है, स्मॉल एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, डिवाइड कर दिया किससे, डब्ल्यूए। डब्ल्यूए क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम NB को, जैसे कि हमने मोलैरिटी का जो फॉर्मूला क्रिएट किया था, जो हमने मॉडिफाई किया था मोलैरिटी का, इस तरह से मोलैरिटी का भी मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किस तरह लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाय एम बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, किस में लिया गया, किलोग्राम में। तो स्टूडेंट्स इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो देखिए किलोग्राम में, तो इसको ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू बाय एम बी तो एज इट इज रह गया, डिवाइड कर दिया डब्ल्यू इन ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट किया तो डिवाइड में क्या कर देंगे, इसके 1000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला इसको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, 1000 ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू ए इन ग्राम क्या है, नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है ये क्रिएट हो गया, मोलैरिटी इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम बी 1000 डिवाइड में डब्ल्यू इन ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। जिस तरह से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्रिएट किया था, सेम उसी तरीके से मोलैरिटी को भी हमने फॉर्मूले को मॉडिफाई करके तैयार कर लिया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला, जैसे कि मोलैरिटी में जो फॉर्मूला तैयार किया था उसे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे, तो मोलैरिटी के न्यूमेरिकल जो है इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका डेफिनेशन याद रखिए, इसका फॉर्मूला कैसे तैयार किया गया वो ध्यान रखिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला फाइनली जो है जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम सॉल्वेंट। किसमें प्रेजेंट है, 250 ग्राम सॉल्वेंट में। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप निकालिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सब बच्चों को याद है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बी डिवाइड में एम बी है ना, इन टू 1000 डिवाइड में क्या कर देंगे, डब्ल्यू ए इन ग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है मोलैरिटी को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में देखिए हमें गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, देखिए कितना है, डब्ल्यू बी जो है वो हमें 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां पर क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड में, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास निकालिए NaOH का। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास जिन बच्चों को नहीं निकालना आता है, तो मोलिकुलर मास से रिलेटेड इसमें वीडियो अपलोड किया तो वो चेक कर लेना।
तो मैं आपको बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास होता है 40, ठीक है, इनटू में, ठीक है, 1000 है, इसको एज इट इज लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए, जो हमें गिवन मास है सॉल्वेंट का, ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो जो हमें गिवन है वो ध्यान दीजिए ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं होता तो उसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो आपके न्यूमेरिकल में ग्राम में गिवन है तो एज इट इज हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, 250 दिया है तो 250 यहाँ पर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर गिवन मास 10 ग्राम, ठीक है, डिवाइड NaOH क्या है मोलिकुलर मास, ठीक है, MV क्या है इसका, NaOH का मोलिकुलर मास 40 होता है, ठीक है, ये 1000 हो गया डिवाइड में, गिवन मास सॉल्वेंट का कितना है 250 ग्राम, ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज रख दी। अब क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू कैसे करें, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1000 की 10 से करोगे कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, अरे बात समझ में, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, किसके साथ है, 25 चौक 100 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो क्या हो गया, ये भी 10,000 हो गया, ठीक है, तो ये 10,000 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, कट होने के बाद क्या हो गया, हमारी मोलैलिटी आ गई 1 आ गई ना, 1 किलोग्राम पर मोल, सॉरी 1 मोल पर किलोग्राम, 1 मोल पर किलोग्राम, ये हमारी मोलैलिटी आ जाएगी इस न्यूमेरिकल की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मोलैलिटी का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको गिवन जो वैल्यूज होती हैं उसे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आई रिमेम्बर, आपको मोलिकुलर मास भी निकालना चाहिए। मोलिकुलर मास कब निकालना आएगा, जब आपको उनके एटॉमिक मास पता होंगे। जैसे कि NaOH का निकालना था तो आपका पता आना चाहिए कि भाई सोडियम जो है उसका एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 1 होता है, ठीक है, तो इनको ऐड कर दो कितना हो गया 40, समझ में आई बात, ठीक है, 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40 हो गया। तो इस तरह से मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो इससे मोलिकुलर मास के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, वो देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता मोलिकुलर मास निकालना तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होने जरूरी है। तो मोलैलिटी तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मोलिकुलर मास अगर आपको सही नहीं निकालोगे तो आपका जो आंसर जो होगा मोलैलिटी का आंसर वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मोलिकुलर मास जो है निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो लगभग आप एक काम कीजिए, 20 एटॉमिक नंबर 20 तक के एटॉमिक मास याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम तक याद कर लो, ठीक है। बाकी बीच में कोई रेयर एलिमेंट्स आएंगे तो उनका आपको शायद गिवन भी होगा मोलिकुलर मास, अगर ऐसा कोई कंपाउंड आता है, लेकिन 20 तक के मोलिकुलर एटॉमिक मास जो है आप याद कर लीजिए, जिससे आप इजीली कोई कंपाउंड अगर दिया हो तो उसका मोलिकुलर मास जो है आसानी से निकाल सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी यहाँ पर कंप्लीट।